सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव की तैयारी के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दशहरा समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव को भव्य बनाने पर विचार विमर्श किया। बता दें कि अल्मोड़ा में दशहरा पर्व को विशेष ढंग से मनाया जाता है, जहां रावण परिवार के दर्जन भर पुतलों का निर्माण किया जाता है। दशहरा के दिन पूरे बाजार में गाजे बाजे और जुलूस के साथ इन्हें घुमाया जाता है, जिसे देखने के लिए अल्मोड़ा में भारी भीड़ जमा होती है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। अल्मोड़ा का दशहरा, जैसे कि आप सभी को मालूम है, पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर अपना स्थान रखता है अपनी विशिष्ट शैली के लिए। आज हमने 2024 में जो 12 अक्टूबर को दशहरा होना है उसकी तैयारी के संदर्भ में यहाँ पर हमने बैठक बुलाई थी। पिछले वर्ष जो पुतला समितियाँ विजेता रही थी उनको पुरस्कृत किया, और उसके बाद ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि प्रशासन पर हम दबाव बनाएंगे कि अगले वर्ष तक वो GIC में हमको रोड मुहैया कराएं, और अगर वो हमको GIC में रोड मुहैया कराने में असमर्थ रहते हैं तो हम पूर्व की भांति वापस स्थानीय स्टेडियम में ही अपने दशहरे के प्रोग्राम को करेंगे। ऐसी चेतावनी भी मैं प्रशासन को देना चाहूँगा, क्योंकि अल्मोड़े का जो दशहरा है अपनी एक विशिष्ट पहचान और अल्मोड़े की एक विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है, और उसको प्रशासन के द्वारा ख़त्म करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है उसके विरोध में दशहरा समिति खड़ी है, और हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा कि इस बार हम प्रशासन को पूर्ण दबाव में लेकर GIC तक रोड का निर्माण करें।